हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज है फ्राइडे और आज बहुत ही स्पेशल डे है, क्योंकि जैसा कि हमने आपको अपने पिछले ब्लॉग से बताया था कि इंशाल्लाह फ्राइडे को हम जो है वो नेम रिवील करेंगे, जो हमारा क्लोथिंग ब्रांड है इंशाल्लाह, जो बहुत जल्दी अभी जिसकी वेबसाइट जो है वो लॉन्च होने वाली है, क्योंकि हम ऑनलाइन ही उसको कर रहे हैं। तो आज उसका नेम रिवील है और बहुत ही यू नो स्पेशल दिन है, क्योंकि ऑब्वियसली स्पेशली दीपिका के लिए बहुत स्पेशल दिन है, क्योंकि इसी वक्त का इंतज़ार कर रहे थे कि कब जो सारी चीज़ें हैं जो उसने सोची हैं वो कब जाएंगी आप लोग के सामने, कब आएंगी, नाम कब रिवील होगा, चीज़ें कब होंगी धीरे धीरे धीरे। तो यस, बहुत स्पेशल डे है। तो चलिए बस अभी चलते हैं बाहर, जो है ऑलमोस्ट प्रिपरेशन हो चुकी है, सबकी नमाज़ें भी हो चुकी हैं, चलिए चलते हैं बाहर। सुबह से कुछ नहीं खाया है, नहीं आज, और आज मैंने कुछ स्पेशल ट्राई किया, आज कुछ स्पेशल ट्राई किया। आज जैसे कि मैं बोल रहा था कुछ स्पेशल बनाए, कुछ स्पेशल मतलब कुछ अलग बनाए जो अभी तक नहीं बना। मैंने अचारी मटन हम सब ने बहुत खाया, आपने देखा है, लेकिन आज दीपिका ने बनाया स्पेशली अचारी चिकन, वो है। और ये बनाया है मटर पनीर, ये है, ये तो बाद में खोलेंगे विदम करके। और ये बाकी जो सारा खाना है ना, ये हमने अभी मंगाया है खुशामदीद से, जिसमें चाइनीज है। ये क्या है? कमीरी रोटी, नूडल्स, नूडल्स, ये खीर भी मंगाई है, वेरी नाइस। भूख लगी है, अभी हम खाते हैं खाना, चलो। और मेरा फेवरेट क्रिस्पी चिकन ना हो हमारे ही ब्रांड के लॉन्च में कैसे नहीं हो सकता। कली मेरा एक ऑडिशन है अच्छा वाला, और तुम आज ही मुझे खिला दो। क्यों खाओ। पहली बार बना रहे हो तुम? हाँ। अब तक आपने अचारी चिकन बनाया? अच्छा चिकन, निकाल दो आटा। हाँ हाँ हाँ, सही है, चिकन ज्यादा, मुझे ज्यादा चिकन पसंद है, मैं हमेशा उसका ग्रेवी ज्यादा खाती हूँ। हाँ हाँ, कम 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 कम, प्लीज कम, प्लीज कम कम कम, हाय बैठो, हाय हाय। सो शोएब, ये मैं आप ही के लिए आप ही का ब्लॉग शूट कर रही हूँ, तो आपको नहीं पता कि ये क्यों आए हैं। नहीं, मैं एक्चुअली मैं पहली बार ही मिल रहा हूँ, मैं तो देख भी नहीं पाया था, मतलब देख के मैंने सोचा कौन है यार। एनी गेस? अभी मुझे थोड़ा सा हो रहा है, अभी मुझे हो रहा है थोड़ा।
थैंक यू, क्या बात है भाई, थैंक यू सो मच। कहाँ से क्या मतलब? आरती, आरती वो ऐसे ही बैठे बैठे आज मेरी और आरती की बात हुई तो मैं बोला यार इस बार नहीं मिला अब तक, तो बोला रुको हम कुछ करते हैं। मैं अगर सुधरना भी चाहूँ ना तो ये मुझे सुधरने नहीं देगी, और इस बार मैंने इससे बोला था ना कि नहीं दीपिका इस बार सारी चीज़ें बहुत वैसी भी हैं ऑलरेडी के काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अभी सब डीकेआर वगैरह शुरू हो रहा है तो हो गया है, लेकिन नहीं इन्होंने मंगवा दिया इसने क्यों। और मैंने कहा था कि मैं लूँगा, ऐसा नहीं कि नहीं लेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक डेढ़ दो महीने बाद इंशाल्लाह अपन इस बार लेंगे। लेकिन एक लाड होता है ना वो नहीं बदलना चाहिए जब तक आप कंफर्टेबली कर पाओ, एंड ऑब्वियसली कि वो जिद नहीं है, वो लाड है, मेरा लाड है इनके लिए, तो वो तो हमेशा ऐसा ही रहेगा शुरू से है। थैंक यू। तो हो गया नेक्स्ट डे, और ये जो क्लिप है वो मैं ले रहा हूँ अपने नए फ़ोन से, आईफोन 16 प्रो मैक्स अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था, लेकिन जैसे कि मैंने पिछले क्लिप में बोला है कि हमारी मैडम जो है हमारा दिमाग थोड़ा ज़्यादा ख़राब कर रहती हैं, तो ठीक है कोई नहीं। और बस यस, कल हो गया नेम रिवील पूरा किस तरीके से हुआ, एंड माशाल्लाह बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया, आप सबने बहुत ज़्यादा प्यार किया इंस्टा पे, पेज में कुछ अभी पर देखूंगा कुछ 30K+ फॉलोअर्स हो गए हैं, एंड यूट्यूब पे अभी थोड़ा सा हमने उसमें कुछ डाला नहीं है, एक शॉर्ट पड़ा हुआ है, और तो शायद बाकी लोग को आधे लोग को समझ नहीं आ रहा है नहीं लेकिन वो भी 43.7K तो ये है 43.7K फॉलोअर्स हो गए हैं इसके पेज पे, और काफ़ी लोगों का रिस्पांस आया है, बहुत सारे जगह से मैसेजेस आए हैं कि हमें जल्दी करना है, हमें ऑर्डर करना है, आप लाइव कीजिए। यस, कुछ लोग के नेगेटिव कमेंट्स भी आए हैं, कुछ लोग के बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव कमेंट्स आए हैं, बट आई थिंक ये प्रोज एंड कॉन्स है, वो चलता है। और कुछ लोग ने क्रिटिसाइज़ किया है इसके पिछले व्लॉग में, कुछ लोग ने, और कुछ लोग तो हमें पता है, आई थिंक आप में से आधे ज़्यादा लोग जानते हुए कुछ लोग तो बैठे ही इसलिए हैं, सिर्फ वो जलन है बेसिकली और कुछ नहीं है, तो खैर कोई बात नहीं, हमें तो कोई बात नहीं। उसका प्लस पता है क्या है? उसका प्लस ये है कि इतनी जगह से मैसेजेस आए हैं जहाँ से उम्मीद नहीं की थी कि जो हमारे मतलब जो हमारे सपोर्टर्स कह लो या जो हमें चाहने वाले हैं या जो रैंडम लोग हैं, लेकिन वो इस फैक्ट को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि किसी का हार्डवर्क लगा है और कोई एक नई चीज़ स्टार्ट करने की हिम्मत कर रहा है, उसे डिमोटिवेट ना किया जाए, इतना सारा सपोर्ट आया है, तो आई थिंक हम उस सपोर्ट के साथ जाएंगे जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं, एंड वो सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। 20% भी अगर लोग जो हैं वो मेरी इस नई शुरुआत से जो है खुश हो रहे हैं, उसे अप्रिशिएट कर बहुत है, तो मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा हमने जनरली बताऊँ जो हमें चाहते हैं, हमें जानते हैं और जो इस चीज़ को समझते हैं कि
आप जब कोई चीज शुरू करते हो या आप कोई चीज लाते हो या आप किसी भी चीज के बारे में सोचते हो ना, तो आप हमेशा नीचे सोचते हो। Correct. हमने बहुत नीचे से स्तर पे ही सोचा है, हमने बहुत नीचे से ही चीजें शुरू करी हैं। एंड हम और... बहुत रियलिटी में जीने वाले लोग हैं। मैं जानती हूँ मैं डिजाइनर नहीं हूँ। आई एम नॉट क्लेमिंग दैट आई एम अ डिजाइनर एंड मैं कुछ मतलब आउट ऑफ द बॉक्स ब्रांड लिंग नहीं। मुझे पता है मैं डिजाइनर नहीं हूँ। जो डिजाइनर्स होते हैं तो माशाल्लाह क्या क्या क्रिएट करते हैं। आई मीन ऑफ कोर्स वी ऑल सी। एक वो होता है ना कि आपको इस चीज की बहुत चाह होती है। मैं बहुत फॉन्ड हूँ इस चीज, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं कुछ डिजाइन करती हूँ और कोई पहने और उसमें खिले और उसको खुशी हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इस और आज अगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं लाइफ में इस स्टेज पे हूँ कि मैं उस पैशन को एक फेस दे पाऊँ, तो मैं वो करना चाहूँगी। कहीं ना कहीं जो घर में काफ़ी सारी लेडीज होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, जो ना कई बार हम इस असमंजस में रह जाते हैं कि अरे लोगों को अच्छा लगेगा या नहीं, अरे लोग क्या बोलेंगे, अरे करे कि नहीं करे। आप में है, आप यकीन करते हो, करो। वहाँ पे ना अगर 100% पूरी पब्लिक है ना, उसमें से 5% पब्लिक होगी जो आपको पसंद करेगी, बाकी की 95 आपको क्रिटिसाइज करेगी। करने दो, कोई बात नहीं। मैं इसी थॉट प्रोसेस के साथ जो है जिंदगी जीती हूँ और हम इसी थॉट प्रोसेस के साथ अपनी हर नई शुरुआत करते हैं। और होता है आपको सक्सेस ना भी मिले, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप कोई चीज़ शुरू करते हो अगर आपको सक्सेस नहीं भी मिल रही तो क्या हो गया। आप जरूरी थोड़ी कि हर बार आप जीतोगे, आपको लाइफ में जो चीज़ आप करोगे वो है मतलब आपको हमेशा सफलता ही मिलेगी। कभी कभी फेलियर भी होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम चीज़ें करें ही ना, हम चीज़ें शुरू ना करें। हम ये सोच के बैठ जाएं कि शिट यार ये अच्छा होगा कि नहीं होगा, अच्छा ये खराब होगा नहीं होगा, अच्छा सक्सेसफुल नहीं होगा तो लोग क्या कहेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे। चार लोग तो वैसे ही मजाक उड़ाएंगे, अच्छा करो या बुरा करो उन लोग को मजाक तो उड़ाना है। कुछ लोग जेन्युइनली क्रिटिसाइज करते हैं जो हम समझते हैं। हाँ। वो क्या होता है ना कि आपको टोन समझ में आती है इंसान की कि अच्छा हो गया आप जेन्युइनली क्रिटिसाइज कर रहे हो। कुछ लोग जेन्युइनली क्रिटिसाइज करते हैं और कुछ लोग सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाइड करते हैं। वो समझ में देखिए आता है कि आप उनके लिए अगर आप कुछ भी लाके रख दोगे ना या आप कुछ भी जिंदगी में कर लोगे तो उनको अपना ईगो सेटिस्फाइड करना है तो वो कुछ ना कुछ करके वो कर ही लेंगे। तो उनके उनकी सोच के हिसाब से आपको कभी जिंदगी में ये नहीं करना है। और यस हाँ, अगर आपके अंदर वो चीज़ लाइक दीपिका के अंदर ही क्वालिटी है, दीपिका खाना अच्छा बनाती है, दीपिका को शौक है डिजाइन करने का, जैसे उसने बोला कि वो डिजाइनर नहीं लेकिन शौक है उसको डिजाइन करने का, और अगर अपना वो शौक लोगों के सामने रख रही है, कुछ लोग पसंद करेंगे कुछ लोग नहीं पसंद करेंगे, और हम काम उनके लिए कर रहे हैं जो पसंद करेंगे। हम काम उनके लिए कर रहे हैं, हम ये सूट्स जो डिजाइंस हैं DKI की, लेबल DKI की, हम उनके लिए कर रहे हैं जो दीपिका को पसंद करते हैं। चलो कोई नहीं, तो फिलहाल ये है कि आप लोगों ने तो बहुत सारे कमेंट किए हैं अच्छे माशाल्लाह, और बुरे भी बहुत ज़्यादा किए हैं इसके वो वाले आशु वाले ब्लॉग में। और बहुत लोगों ने इस चीज़ को समझा है और बहुत लोगों के कमेंट्स यही हैं कि जिसके लिए बना है उसे पसंद आना चाहिए। तो ठीक है, एनीवेज जिसको बट मैं तो ये सोच के अभी मतलब मुझे ऐसे वो हो रहा है कि अभी तो पूरी जब लॉट पूरा आएगा तो बेचारे इन लोग का जो बैठे हुए हैं उनको तो मतलब नहीं, तो मेरी धज्जियां उड़ जाएगी। मेरे को अभी से पता है कि आप लोग मतलब मेरे हर डिजाइन का एकदम अच्छे से सर्जरी करने वाले हो और खूब धज्जियां उड़ाने वाले हो। आप उड़ा लेना, कोई बात नहीं, खुश हो जाओ। हम तो आपको ऐसे परोस के दे रहे हैं कि हां लो भाई उड़ा लो, कोई बात नहीं। बट अ बिग हार्ट टू ऑल द पीपल हु हैव एक्सटेंडेड अ लॉट ऑफ सपोर्ट। एंड यस ऑब्वियसली आप लोग जब इतना ज्यादा बैक टू बैक क्रिटिसाइज करते हो तो कभी ना ऐसे थोड़ा सा लगता है कि यार इतना कोई किसी के लिए क्यों बोलेगा। मैं वो सिर्फ वही है, ईगो सेटिस्फाइड जलन, वो जलन है, वो प्रॉपर प्योर एंड प्योर जलन है के क्यों। लेकिन जो आप लोग सपोर्ट के लिए इतने लोग इस बार आके कमेंट कर रहे हैं एंड आप ही लोग जो बुरा बोल रहे हैं उनको आप लोग अपने कमेंट्स में बोल रहे हो तो दैट मीन्स अ लॉट। उसके लिए दिल से दिल से दिल से थैंक यू। वो आपका एक वर्ड भी जो आप लिख रहे हो ना मेरे सपोर्ट में, इट मीन्स अ लॉट टू मी। प्लीज दे दो, प्लीज। अच्छा एक मैं काटूं, अच्छा एक तेरा एक मेरा, ठीक है। ये देखिए मैंने काटा अपना, तेरा ला, अब तेरी बारी। बैठो बैठो आप, बैठो बैठो बैठो। तो कल पापा नहीं आ पाए थे क्योंकि आर्मी मैन शाम को 7 बजे सो जाते हैं और हम कल थोड़ा जल्दी करने वाले थे, लेकिन जस्ट बिकॉज आप सबको पता है कि रूहान की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, ये मौसम ही चल रहा है ऐसा, तो उस वजह से थोड़ा सा वो डिले हो गया। तो आज पापा मिलने आए हैं, तो कैसा लगा आपको नाम लेबल DKI? बहुत बढ़िया,
बेटा ऐसा है, जो आप करते हो ना दिल से करते हो और अल्लाह आपको उसकी क्या जो सक्सेस है वो देगा ही देगा इंशाल्लाह। वो सक्सेस देगा। हमारा तो काम यह है कि हम बच्चों को हंसता देखते हैं तो हम भी हंस लेते हैं। सही है। तो यस, तो पापा हैं अभी, हम बैठे हैं गपशप कर रहे हैं। तो चलिए पापा भी चले गए हैं और अभी इस व्लॉग को मैं एंड करता हूँ। एंड वंस अगेन गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट, जिन लोगों ने हमें प्यार दिया है, सपोर्ट दिया है, उसके लिए फिर तुम आउट ऑफ फोकस हो। और गाइस एक चीज़ और, इंस्टा पेज पे अभी हमने देख रहे थे कुछ 51 के फॉलोअर्स हो गए हैं, मतलब 24 घंटे भी नहीं हुए हैं। मुझे पता है मैं आउट ऑफ फोकस हूँ। हाँ जरूर। अभी आ गई, 24 घंटे भी नहीं हुए हैं हमारे पेज को एंड हमारे पेज पे 50K प्लस फॉलोअर्स हो गए, उसके लिए थैंक यू। ओवरनाइट 50K हो गए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और जल्दी मिलते हैं इंशाल्लाह नए ब्लॉग में। तब तक खुश रहिए, प्यार बांटिए, अपना ख्याल रखिए, जो मर्जी आओ करिए, सही चीज़ गलत चीज़ नहीं। और आज बाय द वे मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, मैंने बताया था ऑडिशन था, वो आज कैंसिल हो गया क्योंकि बारिश की वजह से, यहाँ पे सारी चीज़ें, अब वो बाद में होगा, कोई नहीं। तो अभी हम चलते हैं बाहर, सही हो गया, फिर से कटवा लूँ क्या, फिर से छोटे करवा लूँगा, बताइएगा आप। नहीं, बहुत अच्छी लग रही है। चलो ठीक है, चलो बाय बाय।